हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि स्वागत करती हूँ आप लोगों का फ्री ऑनलाइन कोचिंग और भगवान स्टडी सेंटर। और हम लोग आज मौर्य वंश में अशोक को पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मौर्य वंश के कुछ आधारभूत बातें जानी थी और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और उस बिंदुसार के बारे में जाने हम लोग। और आज हम लोग मौर्य वंश में अशोक के बारे में जानेंगे, ठीक है। और अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग इसके जैसे केंद्रीय प्रशासन था, प्रशासन, कला, वाणिज्य, व्यापार आदि के बारे में जानेंगे। लेकिन आज का हम लोगों का टॉपिक है अशोक, ठीक है। और अशोक को देखिए, अशोक को जानने के लिए यानी कि अशोक के शासन का शासन व्यवस्था, शासनकाल, सभी चीज़ों को जानने के लिए सबसे ज़्यादा अभिलेखीय साक्ष्य महत्वपूर्ण है, ठीक है। अशोक का जो इतिहास है वो अभिलेखों के द्वारा ही जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि बिंदुसार के समय में, पिछले वीडियो में भी मैंने जब बिंदुसार बताया था तो उसमें बताया था कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह चल रहे थे और बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को और अशोक को, दोनों को भेजा था, ठीक है। तो जब अशोक को भेजा था तो तक्षशिला का उसने वहाँ पे जो विद्रोह था उसने शांत कर दिया था। तो जिससे बिंदुसार ने सोचा कि मतलब अशोक बहुत शक्तिशाली राजा के रूप में आगे राजा बनेगा, मतलब शक्तिशाली राजा बनेगा, ठीक है। तो बिंदुसार के मृत्यु के पश्चात, देखिए वैसे तो दिव्यावदान में वर्णन मिलता है कि सुसीम की हत्या कर अशोक शासन किया था। और पिल्ली के अनुसार भी यही कहा गया है कि सुसीम की हत्या करके ही वो राजगद्दी प्राप्त किया था, ठीक है। तो अब देखिए आगे, अपने शासक बनने से पूर्व तक और कहीं कहीं पे मिलता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी, ठीक है। तो अनेक प्रकार के मत मिलते हैं इसके राजगद्दी प्राप्त करने के बारे में, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अपने शासक बनने से पूर्व तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर था, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह चल रहा था और उसी विद्रोह को शांत करने के लिए अशोक को भेजा था, ठीक है। तो अशोक ने वो विद्रोह शांत कर दिया था, जिसके पश्चात बिंदुसार ने समझा कि आगे जाकर अशोक बहुत ही शक्तिशाली राजा के रूप में बनेगा, ठीक है। अब देखिए, अपने शासक बनने से पूर्व तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर था, ठीक है। जब राजगद्दी प्राप्त करने के पश्चात अशोक के आंतरिक सुदृढ़ करने में 4 वर्षों का समय लगा था। राजगद्दी प्राप्त करने के पश्चात अशोक, जो राजगद्दी प्राप्त की अशोक ने, तो उसे वहाँ पे राजगद्दी जब अशोक को मिला तो उसके बाद वो आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने में लगा था, ठीक है। फिर आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने के पश्चात, जैसे देखिए यहाँ पे है ना कि जैसे 200, फिर 4 वर्षों बाद विधिवत राज्यभिषेक हुआ था। उसका राज्यभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में, ठीक है, 269 ईसा पूर्व में। तो अशोक जब एक राजगद्दी तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन राज्यारोहण उसके राजगद्दी प्राप्त करने के 4 वर्षों पश्चात हुआ था, ठीक है। तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अब उसके विवाह के बारे में मिलता है कि पहला विवाह जो था उसने देवी से किया था, जो कि विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री थी, ठीक है। और देवी से ही पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ठीक है। तो अशोक के जो पुत्र महेंद्र है और पुत्री संघमित्रा है, वो इसी इन्होंने ही महेंद्र और संघमित्रा को ही आगे उसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था, ठीक है। तो ये अशोक के पुत्र है महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ठीक है। और दिव्यावदान से वर्णन मिलता है कि तिस से रक्षित पत्नी थी, ठीक है, एक पत्नी उसकी तिस से रक्षित थी। और कारुवाकी, ठीक है, ये रानी लेख जो कि अशोक का व्यक्तिगत लेख माना जाता है, रानी लेख कहा जाता है, उसमें वर्णन है कारुवा की रानी के बारे में और पुत्र तीवर के बारे में, ठीक है। अब देखिए,
अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग पे आक्रमण किया। ठीक है, देखिए कलिंग पे आक्रमण करने के भी अनेक कारण मिलते हैं, क्योंकि कलिंग उस समय मतलब अर्थशास्त्र में वर्णन मिलता है, या कौटिल्य के अनुसार बोल सकते हैं कि उन्होंने बताया है कि कलिंग उस समय हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो और अशोक जो था वो हाथियों के काफी शौकीन आदमी था, तो उसने क्या किया था, हाथियों की प्राप्ति के लिए कलिंग पे आक्रमण किया था। और पिलनी आदि इतिहासकार मानते हैं कि उसने पिलनी जो है वो बोलता है कि उसने व्यापार वाणिज्य को विस्तार के लिए कलिंग पे आक्रमण किया था। ठीक है, तो कलिंग पे आक्रमण करने के दो तरीके से हमें कारण पता चलते हैं। फिर इसमें यानी कि और 13वें शिलालेख से कलिंग का आक्रमण का पता चलता है, और ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, 13वें शिलालेख से कलिंग आक्रमण का पता चलता है। ठीक है, और इसमें 1,00,000 व्यक्ति मारे गए थे और 1,50,000 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, 1,50,000 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। जब 1,00,000 व्यक्ति मारे गए और 1,50,000 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, तो अशोक कलिंग युद्ध के बाद जब उसने देखा कि इतने सारे लोग मर गए, तो उसका जो हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, उसने हृदय परिवर्तन करने के बाद मतलब उसने देखा कि इतने सारे लोग मर गए, उसके बाद उसने कहा कि मैं अब कभी युद्ध नहीं करूँगा। ठीक है, उसने युद्ध करने से मना कर दिया, और फिर उसने कलिंग युद्ध के पश्चात ही वह बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात उसके कुछ मतलब वो फिर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाता है, और जिससे अनेक अभिलेखों से पता चलता है कि उसने अनेक प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, तो अब आगे देखिए, और कलहन की राजतरंगिणी से पता चलता है कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले जो अशोक था वो शैव धर्म था का पालन करता था। ठीक है, शैव धर्म का उपासक था वो। और अब आगे देखिए, अशोक के अधिकारी, ठीक है, अशोक के अधिकारी मुख्य अधिकारी थे अग्रमात्य। अग्रमात्य होते हैं मतलब कि अशोक के मुख्यमंत्री या जो सहायक थे उसे अग्रमात्य कहा जाता था। महामात्र विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे, वो महामात्र कहलाते थे। फिर राजुक प्रांतीय स्तर के अधिकारी कहलाते थे, और युक्त राजस्व संग्रह करने वाला अधिकारी, और प्रादेशिक होते थे जिला का पदाधिकारी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब देखिए, अशोक जब बौद्ध धर्म अपना लेता है तो उसकी कुछ बौद्ध की संकल्पना होती है, जिस जैसे हमें कैसे पता चलता है कि उसने बौद्ध तीर्थयात्री मतलब बौद्ध स्थानों का जो बौद्ध तीर्थ स्थल थे उनका उसने यात्रा किया। ठीक है, जैसे उसने लुम्बिनी की यात्रा की थी, उसके बाद फिर वो गया था। ठीक है, उसके अनेक बौद्ध स्थानों की उसने यात्रा की थी। ठीक है, उसके बाद फिर उसने अपने अशोक के समय में ही, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि अशोक के समय में ही तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, और उसके बाद उसके भाबरू लेख से पता चलता है कि उसने और भाबरू लेख से उसके पता चलता है कि उसने बुद्ध धर्म संघ में विश्वास था। उसके जो भाबरू लेख है जो राजस्थान का भाबरू से प्राप्त हुआ है उसमें बुद्ध संघ धम, ठीक है, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धर्म संघ, इसमें वो विश्वास करता था, और मास्की में उसने खुद को बुद्ध शाक्य कहा है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे देखते हैं। देखिए अभिलेखीय साक्ष्य, तो जैसा कि मैंने बताया कि अशोक के इतिहास को जानने के लिए अभिलेख ही एकमात्र साक्ष्य है। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य। तो देखिए बृहत शिलालेख, उसके देखिए बृहत शिलालेख, शिलालेख था, स्तंभ लेख था, और गुहा लेख था। ठीक है, तो शिलालेख क्या होता है, शिलाएं मतलब शिलालेख मतलब होता है शिलाएं, यानी बड़े बड़े पत्थरों पे चट्टानों पे जो लेख मिले हैं वो शिलालेख कहलाते हैं।
स्तंभ लेख होता है, जो स्तंभ मतलब पिलर टाइप का जो बना होता है उस पे जो लेख लिखा हुआ है वो स्तंभ लेख होता है। और उसके बाद आता है स्मारक लेख, और इसके स्मारक लेख, ठीक है, स्मारक तो मैंने बताया ही था कि जब किसी की जैसे यश कृति की जो मतलब यश कृति के जो गुणगान किए रहते हैं वो स्मारक लेख के रूप में होते हैं। और गुफा लेख या गुहा लेख होता है, जो पहाड़ियों के चट्टानों के बीच में कहीं पे कोई लेख मिलता है वो गुहा लेख होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अशोक के स्तंभ लेख, शिला लेख और स्मारक लेख और हमें गुहा लेख मिलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, जैसे बृहद शिला लेख, देखिए बृहद शिला लेख में ये बृहद शिला लेख जो है इसको इसलिए बृहद शिला लेख कहा गया है, ये मिलते तो हमें 8 स्थानों से हैं, ठीक है। बृहद शिला लेख 8 स्थानों से मिलते हैं, लेकिन इसमें हमें टोटल 14 लेख प्राप्त होते हैं, ठीक है, 14 लेख प्राप्त होते हैं। ये जो 13वें शिला लेख की बात की गई है वो बृहद शिला लेख का ही पार्ट है, ठीक है। अब बृहद शिला लेख से हमें जैसे पता चलता है कि उससे जैसे प्रथम बृहद शिलालेख से पता चलता है कि पशु हत्या निषेध किया था उसने, दूसरे से उसने जैसे चेरी पुत्र, पांडव पुत्र आदि में उसने चिकित्सा की व्यवस्था की थी, ठीक है। और तृतीय शिलालेख से हमें पता चलता है कि उसने और तृतीय से पता चलता है कि उसने मतलब अपनी युक्त रज्जुक पारदेशिक जो इसके अधिकारी थे उसको नियुक्त किया था इसने। इसी तरीके से हमें उसके 14 लेख मिलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो सहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ठीक है, ये खरोष्टी अभिलेख, खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ लेख है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है धौली और जौगढ़ पृथक बृहद शिलालेख, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये बृहद शिलालेख में तो ये सारे ही जो है, देखिए सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुड़ी और सोपारा, ठीक है। तो इन सारे पे ही हमें 14 लेख मिलते हैं, ठीक है। और लेकिन धौली और जौगढ़ पे है वहाँ पे हमें 13वां और 14वां लेख नहीं मिलता है, तो इसीलिए इसे पृथक बृहद शिलालेख कहा गया है, ठीक है। ये अलग से पृथक बृहद शिलालेख थे, ठीक है। अब आगे देखिए बृहद स्तंभ लेख, स्तंभ लेख मैंने बताया कि जैसे पिलर टाइप का जो होता है स्तंभ उस पे जो लेख मिलता है वो स्तंभ लेख कहलाता है। जैसे देखिए दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, रामपुरवा, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरिराज और कौशाम्बी, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, दिल्ली टोपरा ये टोपरा हरियाणा में एक जगह है, तो पहले ये हरियाणा में था तो मतलब ये जो स्तंभ लेख था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने 1356 में उसे वहाँ से हटवाकर दिल्ली में ले आया, इसीलिए इसे दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को कहाँ से लाया गया और किसने लाया था, तो टोपरा हरियाणा में एक जगह है, तो ये टोपरा से फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाकर रख दिया था, इसीलिए इसे दिल्ली टोपरा कहा जाता है, ठीक है। फिर और इसी पे 7 लेख मिलते हैं, ठीक है, अशोक के 7 लेख दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पे मिलते हैं, ठीक है। और दिल्ली मेरठ ये भी ऐसी है कि मेरठ, पहले ये मेरठ में स्तंभ लेख था और फिरोज शाह तुगलक ने 1360 में दिल्ली उठा कर ले आया इसे, इसलिए इसे दिल्ली मेरठ कहा जाता है, ठीक है। फिर रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज ये तीनों ही बिहार में है, और कौशाम्बी यह यूपी में है, ठीक है। कौशाम्बी कहाँ पे है, कौशाम्बी यूपी में है। और इसमें क्या पता चलता है, देखिए ये अकबर, देखिए कौशाम्बी का जो स्तंभ लेख है वो अकबर के समय कौशाम्बी में था, ठीक है। और उसके बाद अकबर ने क्या किया कि इसे लाकर प्रयाग में, ठीक है, प्रयाग में जो इलाहाबाद प्रयाग में इसे उठाकर ले आया,
ठीक है। और इस पे जहांगीर के भी जहांगीर के लेख मिलते हैं, और उसके बाद इसी पे ही, इसी कौशाम्बी स्तंभ लेख पे ही हरिशेन जो है उस समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, इसी कौशाम्बी स्तंभ लेख पे मिलता है, ठीक है। तो स्तंभ कौशाम्बी स्तंभ लेख में जहांगीर, ठीक है, और ये अशोक और अकबर, अकबर के बारे में, अशोक के बारे में, और इसके बारे में पता चलता है हमें, जहांगीर के बारे में पता चलता है, इन तीन राज और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति तो इस पे है ही। तो चार राजाओं के बारे में हमें कौशाम्बी स्तंभ लेख से पता चलता है। किसके किसके बारे में हमें पता चलता है? समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति कौशाम्बी में ही है, ठीक है, कौशाम्बी के स्तंभ लेख पे ही है। उसके बाद जहांगीर, ठीक है, उसके बाद फिर अकबर, और उसके बाद अशोक, अशोक का लेख भी स्तंभ लेख इस पे मिलता है हमें, ठीक है। अब आगे देखिए स्मारक लेख। स्मारक मैंने बोला था कि जिसमें यश कृति का गुणगान किया जाता है वो स्मारक लेख होता है। जैसे रूमनदेह स्मारक लेख, रूमनदेह स्मारक लेख में क्या है, जब अशोक लुम्बिनी गया था तब उसने वहां पे अपने शासन के 20वें वर्ष में गया था, ठीक है। रूमनदेह वो अपने जैसे ये वहां से ये कुशीनगर से कुछ दूरी पे है, रूमनदेह एक जगह है, ठीक है। तो लुम्बिनी लुम्बिनी ठीक है, लुम्बिनी से कुछ दूरी पर है ये। तो ये यहाँ पे जब रूमनदेह गया था तो ये बौद्ध धर्म, मैंने बताया ना कि इसने बौद्ध धर्म के जो स्थान थे, तीर्थ स्थान थे, उसकी यात्रा की थी इसने। तो उसी तीर्थ यात्रा करने के में ये रूमनदेह भी गया था, क्योंकि ये बौद्ध स्थल है रूमनदेह। और यहाँ पे जाके उसने भूमि कर 1/8 को माफ कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे इसने भूमि कर माफ किया था, ठीक है। आप देखिए निगाली सागर लेख, ठीक है, और निगाली सागर लेख में क्या है, यहाँ पे उसने निगाली सागर लेख से में उसने एक कनक मुनि जब वो गया यहाँ पे, तो उसने देखा कि कनक मुनि के एक मूर्ति था, ठीक है, और वहाँ पे वो मतलब नष्ट हो चुका था, खराब हो चुका था। तो उसने मतलब अपने यात्रा के 20वें वर्ष में आकर उसने बोला था कि मैं अपनी यात्रा के 20वें वर्ष में आकर मतलब इसका यहाँ पे एक स्तूप बनवाऊंगा निगाली सागर में, तो ठीक है। तो यहाँ पे ही उसने आकर अपने शासन के 20वें वर्ष में आकर उसने यहाँ पे निगाली सागर में कनक मुनि का एक स्तूप बनवाया था, ठीक है। फिर संघ भेद अभिलेख, संघ भेद अभिलेख में क्या है, ये भी स्मारक लेख में आता है। इसमें देखिए क्या है, कौशाम्बी सारनाथ सांची, इसमें है इस कौशाम्बी संघ भेद अभिलेख क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें पता चलता है कि जैसे बताया गया है कि अगर कोई, जैसे अशोक के द्वारा बोला गया है कि अगर कोई बौद्ध धर्म के नियमों का पालन नहीं करता है या संघ के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे सफेद वस्त्र पहनकर निकाल दिया जाए संघ से, ठीक है, पहनाकर निकाल दिया जाए। तो ये संघ भेद अभिलेख है कौशाम्बी सारनाथ और सांची, ठीक है। फिर व्यक्तिगत लेख रानी, जिसमें रानी कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर का वर्णन मिलता है। फिर है देखिए गुफा लेख, मैंने बोला था पहाड़ियों के बीच में, पहाड़ियों के जो चट्टान होते हैं, पत्थर होते हैं, उस पे जो लेख मिलता है वो गुहा लेख या गुफा लेख बोला जाता है। इसमें है बराबर की पहाड़ियाँ, ठीक है, बराबर की पहाड़ियाँ गया बिहार में स्थित है, ठीक है, और इस या आजीवकों को दान दिया था उसने, आजीवकों को दान में उनके निवास स्थान के लिए आजीवकों को दान दिया था, ठीक है, वहाँ पे एक गुफा बनवाया था और उसको दान दिया था। तो ये एक गुफा लेख मिलता है। फिर है पानगुरिया पहाड़ी मध्य प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ से भी पानगुरिया पहाड़ी से भी उसके पौत्र दशरथ के द्वारा दिया गया जो
पनगुरिया पहाड़ी से भी दशरथ के द्वारा ही वहाँ पे दिया गया था दान, उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, आप देखिए लघु शिला लेख में है तक्षशिला, सासाराम, भाबरू लेख, गुर्जरा लेख, मास्की लेख, ब्रह्मगिरी आदि अनेक प्रकार के लेख है, लेकिन ये जो लेख है वो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट अभिलेख हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए अंतिम शासक बृहदर्थ था। ठीक है, देखिए जब अशोक के मृत्यु के बाद जैसे कश्मीर का जो, क्योंकि अशोक का जो क्षेत्र था वो संपूर्ण भारत पे था लगभग, ठीक है, तो जो जालौक था उसका पुत्र अशोक का, तो उसने कश्मीर के राज्य को अपने अंतर्गत ले लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद सौराष्ट्र वाला जो था, सौराष्ट्र वाला जो क्षेत्र था वो उसके प्रपौत्र अशोक के प्रपौत्र ने, संप्रति ने उसे अपना मतलब अधिकार में ले लिया। उसके बाद जो मगध का क्षेत्र बचता है, बाकी जो मगध वाला क्षेत्र बचता है वो पुष्यमित्र सिंह ने ये बृहदर्थ जो कि मौर्य शासक वंश का अंतिम शासक था, मौर्य वंश का, उसे बृहदर्थ की हत्या करके उसमें सुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो 185 ईस्वी में सुंग वंश की स्थापना हो जाता है। ठीक है, तो अंतिम शासक बृहदर्थ था और उसी की हत्या पुष्यमित्र सुंग ने कर दी और सुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए अभिलेखते ही अशोक का इतिहास जाना जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुछ अभिलेख हैं जैसे महास्थान लेख, पिपराहवा लेख और महास्थान पिपराहवा लेख। ठीक है, जिससे कि हमें पता चलता है उसके मौर्य वंश के इतिहास के बारे में। ठीक है, जैसे सहगौरा लेख, महास्थान लेख, तो महास्थान और सहगौरा लेख वैसे तो ये चंद्रगुप्त के काल का है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के काल का है ये लेख, इसमें अनागार भंडार के बारे में पता चलता है। जैसे कभी कोई सूखा पड़ जाए, ठीक है, या किसी कारण से जब अन्न न प्राप्त हो उस स्थिति में वो अनागार भंडार का साक्ष्य मिलता है कि वो अपने जो प्रजा के लिए उसने अन्न का भंडार वहाँ पे कर रखा था। ठीक है, ये महास्थान और सहगौरा अभिलेख से साक्ष्य मिलता है। और पिपराहवा जो है वो सबसे प्राचीन अभिलेख के रूप में है और इसी से पता चलता है कि जो महापरिनिर्वाण सूत्र में जो लिखा हुआ है कि बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था, तो पिपराहवा से एक कलश लेख मिला है। ठीक है, कलश लेख का मतलब होता है कि उस पे कलश पे लेख लिखा मिला है, जिससे पता चलता है कि बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मौर्य वंश को जानने के लिए बहुत सारे अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चंद्रगुप्त के समय में हमें 3 अभिलेख का पता चलता है। पिपराहवा अभिलेख जो कि मौर्य वंश के सबसे प्राचीन अभिलेख है, ठीक है, उसके बाद या फिर सबसे प्राचीन अभिलेख कह सकते हैं हम लोग, मतलब जहाँ से, क्योंकि देखिए मगध का उतना हमें नहीं अभिलेख मिलता है, तो सबसे पहला और सबसे प्राचीन अभिलेख हमें पिपराहवा अभिलेख मिलता है। उसके बाद आता है महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है और उसमें अन्न भंडार का वर्णन मिलता है, और सहगौरा जो अभिलेख है उससे भी हमें अन्न भंडार के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे तीनों समय के, और इसके अलावा ये सारे ही अशोक के अभिलेखीय साक्ष्य है जिससे अशोक के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, और बेसिक बातें यही थी कि जैसे देखिए ये मैंने विवाह के बारे में बता दिया कि उसे दिव्यावादान से क्या पता चलता है और फिर रानी लेख से क्या पता चलता है। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण था कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पे आक्रमण किया था
और 13वां शिलालेख से पता चलता है कि उसने कलिंग पे आक्रमण किया था। और कलिंग पे आक्रमण करने के दो कारण हो सकते हैं अर्थशास्त्र के अनुसार, यानी कि कौटिल्य के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए उसने हाथियों के लिए प्राप्त करने के लिए उसने उस पे आक्रमण किया होगा कलिंग पर। और दूसरा पिल्ली के अनुसार है कि उसने व्यापार वाणिज्य का विस्तार के लिए कलिंग पे आक्रमण किया होगा। तो जब लेकिन उसने आक्रमण कलिंग आक्रमण किया, और जब उसने आक्रमण किया तो 1,00,000 व्यक्ति मारे गए। तो जब 1,00,000 व्यक्ति मारे गए तो उसे बहुत दुख हुआ और उसका हृदय परिवर्तन हो गया, जिसके कारण उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म के अपनाने के क्या हमें बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि उसने तृतीय जो बौद्ध सभा था वो अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र में करवाया था, फिर वो बौद्ध धर्म तीर्थ स्थानों की यात्रा की थी, उसके बाद उसने मास्की लेख में खुद को बुद्ध शाक्य कहा है, भाबरो लेख में उसने बुद्ध धम्म संघ में विश्वास करने की बात कही है। इस तरीके से हमें अशोक के बौद्ध संकल्पनाओं का पता चलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अशोक के कुछ अधिकारी थे, जैसे अग्रमात, महामात, राजुक, योक्त और प्रादेशिक। ठीक है, उसके बाद इसके अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरीके से हमें अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं जो कि अशोक के इतिहास को जानने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।